आज ये यहाँ पे सांबा में मनानू समला बेड़ी और अराजी सांबा यहाँ पे 399 कनाल 13 मरले करीब 400 कनाल रकबा जो था ये कृषि विज्ञान केंद्र का रकबा था, जिसको कि गैर कानूनी ढंग से लोगों ने इस पर एंक्रोचमेंट की हुई थी और डीसी साहब के आदेशानुसार आज ये सारा जो है एंक्रोचमेंट जो हमने रिमूव करवाई है। एक ये बहुत बड़ी मैसिव एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव थी और इसके तहत हमने सारे जितने भी पक्के स्ट्रक्चर थे, कच्चे स्ट्रक्चर्स थे, वो आपने देखा जैसे बहुत ज़्यादा इधर वो फेंसिंग की गई है, लोहे की पक्के कंक्रीट के पोल्स लगाए गए हैं, तो ये सारा रिमूव करके हमने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र को ये सारा रकबा हैंड ओवर कर दिया है। नहीं, ये जो 399.13 कनाल अपनी ज़मीन थी आज कृषि विज्ञान केंद्र सांबा को हैंड ओवर हुई है और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके सहयोग से आज ये कार्य संभव हो पाया है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से सभी सांबा वासियों को बताना चाहता हूँ और यहाँ के जो गांव वाले अपने चारों गांव के, जैसे राजी सांबा हो गया, समला बेड़ी और मनानू वाले जो अपने किसान भाई हैं, ये जो भी इंस्टीट्यूट कृषि विज्ञान केंद्र सांबा उन्हीं किसानों की भलाई के लिए यहाँ काम कर रहा है। हम पूरे सांबा के किसानों से लगभग रूबरू हैं और अब ये जो हमारे आसपास वाले जो 4-5 गांव हैं इनसे भी हमारी एक अलग से बॉन्डिंग बनेगी और ये किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र बनना जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये किसानों के लिए है, परंतु अगर इसमें कुछ किसानों की यहाँ पे किसानों ने आरोप लगाया और अपने कागजात भी दिखाने की कोशिश की कि उनकी जो मालिकाना ज़मीन भी इसमें आ रही है, तो मैं ये मेरी ये अपील है जिला प्रशासन से कि अगर किसी की मालिकाना किसान की ज़मीन आती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, उसको ना लिया जाए अगर किसी की मालिकाना ज़मीन आती है, क्योंकि एक किसान को मार देकर अगर इस तरह का अगर उसका मालिकाना हक छीन कर किया जाता है तो वो गलत बात है। बाकी हम इस ड्राइव का उसके अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि स्टेट लैंड पे अगर केवीके बनता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर किसी किसान की मालिकाना ज़मीन जाती है तो उसका जो है वो जिला प्रशासन को ज़रूर देखना चाहिए।